नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश कर दिया। ये बजट जनता के लिए थोड़ी राहत और थोड़ी महंगाई लेकर आया है। बजट में पेट्रोल डीजल पर लगने वाला स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और रोड कंस्ट्रक्शन टैक्स को 1-1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब तक पेट्रोल पर 17.98 रुपये और डीजल पर 13.83 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी, अब इसे 1 रुपया बढ़ाया गया है। इसी तरह रोड और कंस्ट्रक्शन सेस पर भी 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इसके अलावा बेस प्राइस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद लोकल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स में भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इसी के साथ ही परिवहन लागत में भी बढ़ोतरी होगी और वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेगी। आइए एक नजर डालते हैं आपके बजट में क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं। क्या क्या महंगा हुआ? पेट्रोल डीजल, इम्पोर्ट कारें, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, सोना चांदी, लाउडस्पीकर, एसी, वीडियो रिकॉर्डर्स, आयातित किताबें, सीसीटीवी कैमरा, काजू, आयातित प्लास्टिक, टाइल्स, फ्लोरिंग, ऑप्टिकल फाइबर, स्टील उत्पाद, आयातित ऑटो पार्ट्स, अखबार, मैगजीन कागज, फर्नीचर, मार्बल स्लेब। अब एक नजर डालते हैं आपको बजट में बाजार में क्या क्या चीजें सस्ती मिलने वाली हैं। क्या क्या हुआ सस्ता? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पुर्जे, सेट टॉप बॉक्स, कैमरा मॉड्यूल्स, मोबाइल चार्जर, विदेश में बने रक्षा उत्पादों का आयात। बजट में किए गए संशोधन के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। आइए एक नजर डालते हैं आज के पेट्रोल के आंकड़ों पर। दिल्ली पेट्रोल 70.51 रुपए प्रति लीटर, डीजल 64.33 रुपए प्रति लीटर। मुंबई पेट्रोल 76.15 रुपए प्रति लीटर, डीजल 67.40 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई पेट्रोल 73.19 रुपए प्रति लीटर, डीजल 66.23 रुपए प्रति लीटर। जयपुर पेट्रोल 73.56 रुपए प्रति लीटर, जयपुर पेट्रोल 73.56 रुपए प्रति लीटर, डीजल 69.2 रुपए प्रति लीटर। देखा जाए तो जनता मोदी सरकार के इस बजट पर बेहद आस लगाए बैठी थी कि जनता को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये बजट जनता के लिए थोड़ी राहत भरा तो था ही, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। इसको लेकर जनता को थोड़ा झटका लगा है।